हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में मैं आपको सिखाऊंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैसे पास की जाए। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी आप टैली प्राइम में बहुत ही आसानी के साथ पास कर पाएंगे अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, कंपनी तो बनी हुई है, आपको एक ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। ग्रुप कैसा बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से मैं अल्टर कर लेता हूं और यहां पर आपको मिलेगा ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप मैंने पहले से बना रखा है। तो यहां पर मैंने बनाया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक ग्रुप बनाया मैंने और इसे मैंने डाला है अंडर इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में क्यों? क्योंकि लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, लिमिटेशन नहीं है तो इसलिए इसको हमने इन्वेस्टमेंट में डाला है। अगर हम एफडी की एंट्री करेंगे तो उसमें लिमिटेशन होती है 5 साल 6 साल 4 साल। ठीक है, तो वहां पर उसे इन्वेस्टमेंट में नहीं डालते हैं, लेकिन यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है तो इस वजह से मैंने इसे इन्वेस्टमेंट में डाल रखा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। इसी तरह से एक और मैंने बनाया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये देख सकते हैं, ये भी ग्रुप है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है और इसे भी मैंने रखा है किसमें? इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अब ये ग्रुप बना लेने के बाद हमें क्या करना है? हमें एक लेजर क्रिएट करना है। लेजर भी कैसा क्रिएट करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। लेजर हमें क्रिएट करना है एक म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का ये लेजर मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं ये। तो म्यूचुअल फंड को डालेंगे किसमें? तो देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने इसे डाला है और यहां पर इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसे आपको रखना है। यस, अगर आपके में ये नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। आपको कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है। F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी कॉन्फ़िगरेशन की। अब इसमें करना क्या है, देखिए, अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो यहां पर कभी कभी नो होता है तो नीचे की और चीजें और बाकी की और चीजें दिखाई नहीं पड़ती है, इस तरह से ये दिखाई पड़ता है। तो आपको यहां पे यस कर देना और नीचे वाला भी यस कर दीजिए, सब दिखाई पड़ेगा एक ही बार में। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा यूज इन्वेंटरी एलोकेशन फॉर लेजर्स, तो इस ऑप्शन को आपको यस कर देना। अगर आप नो करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। देखिए, मैं नो कर देता हूं और कंट्रोल ए प्रेस करता हूं तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन इसको आपको यस करना है। तो F12 की प्रेस करके और यहां पर आप इसे कर दीजिए यस। तो यहां से इसे यस कर दीजिए और अब इसको सेव कीजिएगा तो यहां पर ये आ जाएगा और आपको इसको यस रखना है। बाकी सारी चीजें ऐसे छोड़ देनी है और एंटर प्रेस करते हुए इसे करवा लेना है एक्सेप्ट। अगर पैन कार्ड डिटेल वगैरह देना हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, आपको स्टॉक आइटम यानी कि उस कंपनी का नाम जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बनाना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप स्टॉक आइटम ही बना रहे हैं, बल्कि स्टॉक आइटम ही बना रहे हैं आप। और यहां से क्रिएट पे चलते हैं और यहां पर आप मैं आपको अल्टर करके दिखाता हूं, मैंने पहले से बना रखा है तो यहां पर मैं अल्टर कर देता हूं इसको। यहां पर आएंगे तो ये देख सकते हैं इसे, यहां पे बिरला सनलाइफ हमने बना रखा है। ठीक है, ये बिरला सनलाइफ कोई स्टॉक आइटम नहीं है लेकिन आपको ट्रीट करना है एज अ स्टॉक आइटम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको एज अ स्टॉक आइटम ट्रीट करना है। यहां पर मैंने इसे रखा है प्राइमरी में और यहां पर NOS कर दिया है और यहां पर एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये देखिए, ये एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसे बना लीजिएगा और फिर हमें क्या करना है, इन्वेस्ट कैसे करें। ठीक है, ये सारे लेजर्स बनाने के बाद सवाल ये उठता है कि इन्वेस्ट कैसे करें। तो सीधा वी प्रेस करके आ जाइए, पेमेंट वाउचर में आ जाइए। यहाँ वी प्रेस किया मैंने और फिर यहां से हमें प्रेस करना है पेमेंट वाउचर के लिए F5। तो यहां पर आ जाएंगे। अभी सिंगल एंट्री मोड में हूं, सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री पास करके दिखा देता हूं। यहां पर सप्लायर का इन्वॉइस नंबर और ये डेट आ जाएगी। अब फिर यहां पर आते हैं, तो यहां पर करेंगे क्या, यहां पर जिस भी बैंक से आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बैंक ऑफ इंडिया बना रखा है तो बैंक ऑफ इंडिया कर दीजिए यहां पे। ठीक है, और अब यहां पर म्यूचुअल फंड वाला जो बनाया था हमने लेजर वो लगा दीजिए, ये लगा दिया। अब यहां पर जैसे ही म्यूचुअल फंड पर जाकर के एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा। अब यहां पर जैसे ही ये आएगा तो यहां पर अब ये पूछेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड। तो यहां पर मैंने एक ही बनाया है, बिरला सनलाइफ, देख सकते हैं। तो ये बिरला सनलाइफ यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर अब क्वांटिटी की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है, पर इसका मतलब है कि आप बिरला सन लाइफ में जो शेयर खरीद रहे हैं वो कितने शेयर खरीद रहे हैं। तो मान लीजिए मैं 120 शेयर खरीद रहा हूं और एक की कीमत है 200 रुपए। ठीक है, तो 200 रुपए के हिसाब से 120 शेयर हमने खरीदे और ये इस तरीके से ये एंट्री पूरी हो जाएगी आपकी। अगर कोई और भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी लेके आ सकते हैं, बशर्ते आपको म्यूचुअल फंड के अंदर वो स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये तो एंट्री पास हो जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई और चाहिए हो तो क्या करेंगे, तो यहां से क्रिएट पे चले जाइएगा और फिर आ जाइएगा वहीं स्टॉक आइटम पर।
ठीक है, ये स्टॉक आइटम पर आ गए। अब यहां पर क्या करना है, अब एक बिरला सन लाइफ बना लिया, अब चलिए यूटीआई बना लेते हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड कर देता हूं, म्यूचुअल फंड ये कर दिया हमने और एंटर प्रेस किया और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर एनओएस यानी नंबर रख लेंगे और यहां पर एंटर प्रेस करके और इसे करा लेंगे एक्सेप्ट, दैट्स इट। तो ये हो गया। अब जब एंट्री पास करनी होगी तो दोनों की एक साथ पास करके दिखाता हूं। तो वी प्रेस कर लिया, पेमेंट वाउचर में आ गए, यहां पर आ गए और यहां पर उस खाते से जिससे पैसा कटेगा आपका तो वो दे देंगे। तो लाइक कौन सा था, बैंक ऑफ इंडिया था क्या था, हाँ ये बैंक ऑफ इंडिया था, ये ले लिया हमने। अब यहां पर क्या आएगा, म्यूचुअल फंड आएगा, म्यूचुअल फंड में नाम कौन सा आएगा, तो बिरला सन लाइफ पहला था, ठीक है। और मान लीजिए 120 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं और 200 रुपए का रेट इसका 200 रुपए है, तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, तो दूसरा वाला हमने कौन सा बनाया था, दूसरा वाला हमने बनाया था यूटीआई म्यूचुअल फंड। तो ये यूटीआई म्यूचुअल फंड का कोई शेयर खरीद रहे हैं तो ये देखिए ये आ गया इस तरीके से। अब ये इसको अब एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। नरेशन भी डाल सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द मैटर आप नरेशन डाल दीजिए और इसको आराम से एक्सेप्ट करा लीजिए। बस आपको इतना ही करना है और आप म्यूचुअल फंड की भी एंट्री आसानी के साथ पास कर पाएंगे और इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे हम। तो ये पूरी एंट्री पास हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।